हे गाइस, वेलकम टू ग्रोनीति। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्लिक फनल्स का यूज़ करके आप कैसे इजीली अर्न कर सकते हो। गाइस देखो, इजी जो टर्म है ना, ये इसका मतलब ये नहीं कि भाई आपने क्लिक फनल में अकाउंट बना लिया और आप पैसे कमाने शुरू कर देंगे। गाइस मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत तो करना ही होता है, ठीक है। और सब कुछ कैसे ए टू जेड मैनेज करना है वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे, और किस तरह से ए टू जेड के भाई प्रोडक्ट कैसे पिक करना है, उसके बाद आप लैंडिंग पेजेस कैसे बनाएंगे, उनके प्रोडक्ट को प्रमोट कहाँ पे करेंगे, कैसे करेंगे, ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए, तो वीडियो को एंड तक कंटिन्यू करते रहिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो फिर हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप एक एक करके पूरा का पूरा एक ट्यूटोरियल बना देंगे कि क्लिक फनल से आप पैसे कैसे कमा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगर बात करते हैं दोस्तों, देखो इंडिया में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इन तरह इस चीज़ों को फ्री में बताते हैं हिंदी में। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिसके लिए चार्जेस लेते हैं और उसके बाद भी जो स्ट्रैटजीज होती है उनकी वो अच्छी नहीं होती है, ठीक है। क्योंकि नॉर्मली कुछ स्ट्रैटजीज ऐसी होती है जो कि आपको मतलब इंस्टेंट तो मनी देती है, बट लॉन्ग टर्म के लिए वो सस्टेनेबल नहीं होता। क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग का सबसे जो मेन मतलब होता है एफिलिएट मार्केटिंग का, कि भाई आपके पैसिव इनकम हो, ठीक है। पैसिव इनकम होगा इसका मतलब कि आप काम नहीं भी करो तब भी आपका पैसिव इनकम आ रहा है। तो हमेशा इस बात का फोकस रखना चाहिए हमें कि हम कुछ ऐसे टूल्स को प्रमोट करें जहां से हमें पैसिव इनकम आए, ठीक है। तो क्लिक फनल में वो कैसे कर सकते हैं, ये सारा कुछ हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं ना। चलिए क्लिक बैंक के ऊपर आते हैं। सबसे पहले तो उसके लिए मैंने एक डमी अकाउंट बना के रखा है जहां पर कि हम क्लिक फनल के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। गाइस मैं यहां पे अपनी अर्निंग या कुछ वैसा शो करके मैं आपको शो ऑफ नहीं करना चाहता हूं, ठीक है। इसीलिए मैं उन चीज़ों को नहीं दिखाता हूं, नॉर्मली आपको डायरेक्टली बताता हूं कि आप कैसे काम कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, क्लिक फनल में एक अकाउंट बनाना होगा। क्लिक फनल में अगर आपको अकाउंट बनाना है तो बहुत ही आसान है, कुछ छोटे छोटे चीज़ें आपको फिलफिल करनी होती है वो आप कर सकते हो ईजिली। अगर आपको फिर भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं क्लिक फनल में कैसे अकाउंट बनाना है वो भी आपको बता दूंगा। नाउ द टर्म इज कि आपको कहाँ आना है, एफिलिएट मार्केट प्लेस पे आना है। आप जैसे ही एफिलिएट मार्केट प्लेस पे आएंगे तो आपके पास पूरा एक लिस्ट आ जाएगा प्रोडक्ट चुनने का। एक बात अभी यहाँ पे ध्यान में रखना कि कुछ ऐसे कैटेगरीज हैं जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, जैसे कि जहाँ से लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, जैसे कि ये बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट हो गया, ई बिजनेस एंड ई मार्केटिंग हो गया, ठीक है। इन दोनों ही प्लेटफॉर्म से काफ़ी अच्छा खासा पैसा लोग कमा रहे हैं। और उसके बाद अगर बात करें तो हेल्थ एंड फिटनेस नीचे हो गया, यहाँ से भी काफ़ी अच्छा खासा लोग अर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो कुछ नीचे से जहाँ से अच्छा खासा लोग अर्न करते हैं, और उसके बाद फिर अगर हम लोग बात करें तो पब्लिक इन चीज़ों को ज़्यादातर फोकस करती है। और एक लास्ट में यहाँ पे एक स्पिरिचुअलिटी, जो अभी स्पिरिचुअलिटी जो है ये भी बहुत ही अच्छा फेमस एक टॉपिक है जहाँ से लोग पैसा कमा लेते हैं अच्छा खासा ना। अब अगर आपको देखना है कि आपको किस तरह के प्रोडक्ट चुनना है, तो सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना है कि आपका इंटरेस्ट किस में है, मतलब आप किस पे लॉन्ग टर्म तक सस्टेन कर सकते हो, ठीक है। इन चीज़ों को अगर आप देखते हो तो आपके लिए अच्छा होगा। चलिए हम लोग एक कोई पर्टिकुलर नीच पकड़ते हैं। वैसे एक और बात मैं बताऊँ, कुछ नीचेस ऐसे भी हैं जिसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया, आप उन नीचेस पर भी काम कर सकते हैं। जैसे कि इसमें से एक नीच आ जाता है आपका, मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, कुछ पर्टिकुलर नीचेस आ जाते हैं। जैसे कि इसमें आपका आ जाता है ग्रीनरीज हो गया, होम एंड गार्डन हो गया, ठीक है। इन नीचेस पर काम नहीं हुआ है बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पे भी आप आ सकते हैं। चलिए एक बेसिक सा प्रोडक्ट लेते हैं, चलिए हम आ जाते हैं। मैं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा हूँ अपने दूसरे आईडी से, मैं उस प्रोडक्ट को आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो होम एंड गार्डन में, हम वहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। जब आप यहाँ पर आते हो तो यहाँ पे बेसिकली आप जानते हो कि मैं एक इंजीनियरिंग के बहुत सारे पेजेस हैंडल करता हूँ इंस्टाग्राम पे, और कैसे मार्केट करता हूँ वो भी आपको पता है। और अगर नहीं पता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं कि इंस्टाग्राम से मैं कैसे सारा कुछ मैनेज करता हूँ। अभी अगर आप देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे सबसे पहले आपको चुनना है कि आपको कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करना है। हमेशा एक बात का ध्यान में रखिएगा कि प्रोडक्ट वही चूज़ कीजिए जहाँ से आपकी अगर ऐसा प्रोडक्ट मिल जाता है तो रेकरिंग इनकम हो जाए, या फिर जहाँ पे अपसेल्स हो। मतलब ऐसा ना हो कि आपने एक बार प्रोडक्ट सेल कर दिया और केवल आप उतना ही कमा रहे, वहाँ पे अपसेल्स हो, ठीक है। तभी आपका जो प्रोडक्ट होगा वो काफ़ी अच्छा होगा और वहाँ को प्रमोट करने में काफ़ी मज़ा आएगा। तो या तो आप यहाँ पे फिल्टर्स लगा सकते हैं अपने हिसाब से, अदरवाइज आप फिल्टर नहीं भी लगाएंगे तो कोई इशू नहीं है। हमेशा ध्यान में रखिए कि जिसका ग्रेविटी 30-35 एंड अबव है, तो वो आपका जो प्रोडक्ट होता है वो काफ़ी अच्छा है। तो हम 35 एंड अबव ग्रेविटी वाले प्रोडक्ट को चुनते हैं, और इससे ज़्यादा कितना भी हो गया चलेगा। एक और बात, अगर आप इनिशियल स्टेज पे हैं और अगर आप फ्री ट्रैफिक यूज़ करना चाहते हो, पेड ट्रैफिक खर्च नहीं करना चाहते हो, तो कोशिश ये करो कि बड़े प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के बजाय आप किसी छोटे प्राइस के प्रोडक्ट को प्रमोट करो। जैसे कि अगर मान के चलते हैं कि आप $150 तक जाने के बजाय, अगर ये पूरा काम अगर आप $30 में ही निपटा देना चाहते हो, तो आप $30 तक भी रख सकते हो। अगर आपको ऐसा कोई प्रोडक्ट मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे कि यहाँ पे एक प्रोडक्ट है जिसका केवल 25.34
डॉलर है, ठीक है। तो ये एक काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट हो जाएगा अगर आप इसको सेल करना चाहते हो। एक छोटा प्रोडक्ट भी है, मतलब एक सस्ता प्रोडक्ट भी है, और आप इसको प्रमोट कर सकते हैं। अगर वहीं बात करते हैं हम लोग ग्रेविटी के, तो इसका भी ग्रेविटी जो है 90.86 है, जो कि काफ़ी अच्छा है, ठीक है। साथ ही साथ एक और चीज़ जो आपको देखना है कि आपको एफिलिएट सपोर्ट में क्या मिल रहा है। जैसे कि यहाँ पर एफिलिएट पेज है, हम लोग क्लिक करेंगे और उसको खोल लेंगे। बाकी चीज़ें थोड़ा सा हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे कि इसमें इनिशियल सेल जो है वो 25.3 का है, और उसके बाद यहाँ पे एवरेज सेल जो है वो $60 का है, मतलब कि सेल्स आगे बढ़ती हैं। उसके बाद बाकी चीज़ों में अगर देखें, ग्रेविटी 90 है, और उसके बाद ये जो है ये होम एंड गार्डन का है। तो अगर आप यहाँ पे कर सकते हैं, और यहाँ पे जो सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगती है कि एफिलिएट पेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके पास एफिलिएट टूल्स हैं तो आप इजीली इसको प्रमोट कर सकते हैं। मैं जिस प्रोडक्ट को फिलहाल अभी प्रमोट कर रहा हूँ वो है आपका, मैं इसको ब्लैंक कर देता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है, मैं इसको $70 कर देता हूँ। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है, बेसिकली मैं इस प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा हूँ, और टेडवुड वर्किंग का, मैं इसको एक बार ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर भी सेम आप देख सकते हैं, इनिशियल सेल, एवरेज सेल, ठीक है। एवरेज रीबिल टोटल जो है इसका 127.94 डॉलर का है, और एवरेज बिलिंग रीबिलिंग का जो परसेंटेज है वो 31% है। दैट मीन्स कि प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है, और ग्रेविटी जो है वो 192 है, ठीक है। मतलब जिस प्रोडक्ट को हम लोग चुन रहे थे उससे भी ज़्यादा है। तो अगर आपके पास टाइम है, और आप मतलब आपके पास ट्रैफिक है, आप पैसे खर्च करना चाहते हैं, इवन फ्री ट्रैफिक से भी काम बन सकता है अगर आप करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, तो दिस वन इज़ द बेस्ट प्रोडक्ट अगर आप दूसरे नीच से हटके काम करना चाहते हैं। बाकी आप दूसरे नीचे पर भी जाके चुन सकते हैं, बट जो चुनने की जो चीज़ें हैं वो ऐसी होगी। एक और बात जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि आपको हमेशा डिजिटल प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस करना चाहिए। डिजिटल प्रोडक्ट्स क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो कैंसिलेशन रेट होता है ना, वो बहुत ज़्यादा कम होता है। मतलब जो प्रोडक्ट का कैंसिलेशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। इसके कारण जो आपकी जो इनकम है ना, वो बनी रहती है। अदरवाइज़ अगर बात करें आप फिजिकल प्रोडक्ट्स की, तो वो कैंसिल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। चलिए फिर आगे हम लोग देखते हैं। जैसे कि एक तो ये हो गया, ये ह्यूज एफिलिएट अपॉर्चुनिटी, यू गेट 90% $90 पर सेल ऑन दिस इनक्रेडिबल हाई कन्वर्टिंग एंड बेस्ट सेलिंग पैकेज। ये आपका माईशेड प्लान का है, ठीक है। और यहाँ पर ये आपको क्या क्या दे रहे हैं वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक पेज दे रहे हैं, जिसमें आपको दे रहे हैं कि न्यू फेसबुक एंड एडवर्ड्स का कंप्लाइंट पेज है, फ्री शेड प्लान, ऑप्ट इन लैंडर है, लैंडिंग पेज है, ये सारा कुछ यहाँ पे दे रहे हैं, और ये सारा कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको अगर कुछ टूल चाहिए तो आप यहाँ पे एक्सेस भी कर सकते हैं। ईमेल ऑटो रिस्पॉन्डर वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे क्या क्या बताया गया देखिए, यहाँ पे बताया गया कि फ्रंट एंड का जो सेल है वो है आपका $37 होगा। उसके बाद फर्स्ट अपसेल जो है वो 29.95, सेकंड अपसेल 47, थर्ड अपसेल 67। अगर कोई बंदा इन सारी चीज़ों को खरीदता है तो आपको $90 मिल सकता है। अदरवाइज़ आपका जो पहला सेल होगा आपको उसके हिसाब से पैसा मिलेगा, या जहाँ तक वो जाता है वहाँ तक के हिसाब से पैसा मिल जाएगा। वहीं अगर हम दूसरे वाले अपने प्रोडक्ट की बात करें, तो देखो ये जो है ये आपका एक प्रोडक्ट है टेट्स वुड वर्किंग का। यहाँ पर भी सेम है, प्रमोट हाई कन्वर्टिंग वुड वर्किंग प्रोडक्ट ऑन इंटरनेट। जो पर सेल है वो 125 का है, कमीशन 75% का मिल रहा है। साथ ही साथ अगर नीचे आए तो यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है, ठीक है, चीज़ें देख लेते हैं क्या क्या मिल रहा है। तो सबसे पहले मेन ऑफर $67 का है, उसके बाद इस तरह से सेकंड सेल, डाउन सेल, अप सेल करके ये टोटल इतने सारे सेल्स आपको देते हैं। रेकरिंग इनकम भी आपको मिल जाता है। यहाँ पर अगर प्रमोट करने के रीज़न, तो यहाँ पे बहुत सारे रीजंस दिए हैं, बट फिलहाल हम लोग नीचे आ जाते हैं और देखते हैं कि इसमें जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसका जो मतलब जो भी एफिलिएट पेजेस हैं या हमारे सपोर्ट के लिए क्या क्या दिया हुआ है। तो क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले यहाँ पे मेन लैंडर दिया हुआ है, हाईएस्ट कन्वर्टिंग मेन लैंडर दिया हुआ है। आप इसको कॉपी पेस्ट करके रख सकते हैं। एक और बात, यहाँ पर आपको क्या करना है, एक मिनट, यहाँ पे आपको जो XXX दिख रहा है इसके जगह पे आपको अपना जो कोड है वो डालना है। जैसे कि मैंने अभी इसमें जो रैंडम बना के रखा है, डीजी फ्रेंड बना के रखा, आप डीजी फ्रेंड डाल सकते हैं। ये आपका एक लैंडिंग पेज मिल जाएगा, यहाँ पे ये पूरा का पूरा एक लैंडिंग पेज है जो बना बनाया उनका है, आप ये यूज़ करेंगे। चलिए वापस से अगर आते हैं, तो यहाँ पर आपको फेसबुक के, अगर आप फेसबुक पे ऐड चला रहे तो उसमें क्या है, वीडियो और एग्जिट पॉपअप वगैरह नहीं होता, तो उसको हटा करके भी एक लैंडिंग पेज बनाया गया है। उसी तरीके से फ्री प्लान्स लैंडर, ये गिव अवेज के लिए। गिव अवेज क्या होता है, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं वहाँ पर, हम देते हैं इसको बोलते हैं फ्री स्टफ्स, जिसको बेसिकली अगर टेक्निकल लैंग्वेज में यहाँ पे बोला जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं एक तरह से लीड्स मैग्नेट, ठीक है। ये लीड को खींचने का काम करता है। जैसे कि आप लीड मैग्नेट लोगे तो लीड मैग्नेट के हिसाब से जो आपका सेल होगा वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। मतलब आप एटलीस्ट आप उन लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो अपने तरफ, जो इन चीज़ों के ऊपर मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि अट्रैक्ट हो सकते हैं। उसके बाद वीडियो टेक्स्ट, वीडियो के साथ है आपका लैंडिंग पेज, फिर फ्री प्लान्स डाउनलोड पेज जो है यहाँ पे, ये डाउनलोड पेज है, उसके बाद फ्री प्लान्स का थैंक यू पेज है, फिर डायरेक्ट ऑर्डर पेज है, ये सारा कुछ आपको मिल जाएगा। इन सभी चीज़ों में जो सबसे एक अच्छी चीज़ है, इसके साथ अगर आप और नीचे आएंगे तो आपको क्या क्या मिलता है, सुपर एफिलिएट करने का पूरा गाइड एक मिल जाता है, और साथ ही साथ ईमेल मार्केटिंग के टूल मिल जाते हैं आपको, ईमेल स्वाइप अप पूरा का पूरा मिल जाता है, पेजेस मिल जाते हैं एक तरह से आपको, बहुत ज़्यादा इसमें कस्टम एक तरह से
इमेजेस मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ यहाँ पे आपको मिल जाता है आपको चेक करने के लिए। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपके आपके पास सब कुछ अवेलेबल है। आपको जस्ट एक पूरा पूरा एक बैकअप में एक सीन तैयार करना है जहाँ से कि आप पैसा कमा सकते हैं। ना द थिंग इज कि आपको कैसे करना है। तो देखो, पहले जो नॉर्मली लोग एफिलिएट मार्केटिंग में करते हैं और गलती करते हैं, 90% लोग यहाँ पे फेल्योर जो होता है ना, उसका सेम रीज़न जो है ना वो यही है। क्या है रीज़न कि आप क्या करते हैं, ट्रैफिक तो ले आते हैं कहीं ना कहीं से, ट्रैफिक आप जुगाड़ कर लिए आइदर फ्री और पेड, ठीक है। अगर फास्ट पैसा कमाना है तो आपको पेड की तरफ जाना होगा, अदरवाइज आप फ्री ट्रैफिक की तरफ से भी काम कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद वो वेबसाइट पे लेके आते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग यूट्यूब पे या बाकी जगहों पे भी बताते हैं कि आप बस क्या करो, यहाँ से लिंक कॉपी कर लो। मैं एक बार दिखाता हूँ, यहाँ से आप जो इसका लिंक है ना मेन लैंडिंग पेज का, उसमें अपना कोड डाल करके एक लिंक कॉपी कर लो, होप लिंक बना लो। और लिंक बनाने के बाद आप क्या करो, उसको डायरेक्टली प्रमोट कर दो। इससे क्या होता है कि इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह आपको बैन कर देगा। कुछ लोग क्या करते हैं, एक फटाक सा लैंडिंग पेज बना दो छोटा सा, ठीक है, छोटा सा लैंडिंग पेज जिसमें बहुत कुछ नहीं होगा, सिर्फ उसमें लिखा रहेगा बाय नाउ, मतलब कुछ भी नहीं, पूरे पेज में सिर्फ एक ऑप्शन रहेगा बाय नाउ, और वहाँ से ट्रैफिक भेजेंगे। ये थोड़ा सा अनएथिकल लगता है, थोड़ा सा यहाँ से ट्रैफिक कम आता है, और साथ ही साथ आपकी जो ट्रैफिक की जो ट्रैकिंग होती है, रीटारगेटिंग होती है, वो अच्छे से नहीं हो पाती है। तो आपको क्या करना है वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहला जो बात है कि ट्रैफिक जैसे आपने भेजा, आप उसको किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे भेजते हो। पर्टिकुलर वेबसाइट मतलब जो आपका मेन सेल्स पेज है, और वो सेल्स पेज क्या है, चलिए मैं वो आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे इस प्रोडक्ट के लिए जो सेल्स पेज है वो ये है, ठीक है। तो आप इस सेल्स पेज पे बेसिकली उनको भेज देते हो। अभी क्या होता है कि जब भी कोई बंदा इस सेल्स पेज पे आएगा फर्स्ट टाइम पे जब ये बंदा कोई सेल्स पेज पे आएगा, तो वो बाई करेगा कि नहीं करेगा, इसके जो चांसेस होते हैं वो 95% होते हैं कि वो बाई नहीं करेगा। फर्स्ट अटैम्प्ट में किसी को कोई भी चीज़ अच्छा नहीं लगता है। तो अभी आपका जो 95% जो ट्रैफिक है वो आपका एकदम बेकार चला गया। केवल 1-5% जो ट्रैफिक है वो आपका सोच सकता है कि खरीदेंगे, ठीक है। केवल 1-5%, मतलब कि अगर आप 100 लोगों को लीड्स लेके आते हो, 100 लोगों पे खर्च कर रहे हो, उसमें से केवल 1 से 5 लोग ही ऐसे होंगे जो खरीदेंगे, अदरवाइज नहीं खरीदेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा बुरा होता है। अगर आप इस चीज़ को थोड़ा सा रीटारगेट कर सकते हो तो काफ़ी अच्छा हो जाता है। और वो कैसे करेंगे, तो वो हम लोग करते हैं कुछ कुछ इस तरह से। हम ट्रैफिक को अपने किसी स्क्वीज पेज पे भेजेंगे। अभी ये कैसे होगा, तो हम उसको बोलेंगे कि भाई आप हमको अपना ऑप्टिन मतलब मेल आईडी दे दो, फिर हम आपको बताएंगे। अब ये मेल आईडी आप कैसे ले सकते हैं, आप उनको कुछ फ्री का चीज़ ऑफर करेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पे देखे होंगे कि आपको बोला गया था कि वो फ्री का प्रोडक्ट, फ्री का 50 प्लांट्स का एक लैंडर देंगे। चलिए मैं बताता हूँ कैसे होता है। ये देखिए, ये मैंने बनाया है आपके लिए बेसिकली। अच्छा, ये बनाया बनाया भी आपको मिल सकता है, आपको एकदम सेम टू सेम मैं आपको सेंड कर दूंगा। आप इसके थ्रू भी अच्छा खासा अर्न कर सकते हो, आपको कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं, पूरा का पूरा बना के रखा हुआ है मेरा, ठीक है। आप चाहें तो इसको ले सकते हैं, कमेंट में डालिए कि हाँ आई वॉन्ट, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें आप बना लेंगे। यहाँ पे आपने क्या किया, गेट वुडवर्कर, गेट इंस्टेंट एक्सेस ऑफ 50 वुडवर्किंग प्लान। अब देखिए, अगर कोई वुडवर्किंग का बंदा है, जो वुडवर्किंग का काम कर रहा है, आर्ट ऑफ वुडवर्किंग का काम कर रहा है, वो बंदा क्या चाहेगा कि हाँ भाई ये बुक तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं इसको ले लेता हूँ, खरीद लेता हूँ, उसके बाद फिर देखेंगे क्या होगा। तो उसको क्या करना होगा, यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस और फर्स्ट नेम डालना होगा। जैसे आप बात करते हैं ईमेल एड्रेस एंड फर्स्ट नेम की, क्या होता है इसके साथ कि आपके पास उसका एक बैकअप में ईमेल आ गया ना। अब वापस से हम लोग उस चार्ट में आते हैं, उस इमेज में आते हैं जिसको हम लोग देख रहे थे। जैसे ही आपके पास एक ऑप्टिन लिस्ट आ जाता है, आप क्या करेंगे, उस ऑप्टिन लिस्ट वाले को रेगुलर ईमेल्स भेजेंगे। अच्छा, ये ईमेल्स आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक ये सारे ईमेल्स जो है ना वो आपको ये वुड वर्किंग वाले ही प्रोवाइड करा रहे हैं। अच्छा, मैं इस प्रोडक्ट की बात करूँ, इसका ये मतलब नहीं कि आपको भी यही प्रोडक्ट प्रमोट करना है, आप किसी भी तरह के प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं, दैट्स अपॉन यू, ठीक है। तो वो कंपनी, जैसे मैंने आपको बताया, हमेशा ऐसे प्रोडक्ट को चुनिए जिसके साथ पूरा का पूरा एफिलिएट का जो सामान है वो आपको दिया हो। तो वो आपको ईमेल का 1, 2, 3, 4, 5 आपको सब कुछ दे रहे हैं। अब अगर बात करते हैं कि आप इंडियन मार्केट को मतलब मान के चलते टारगेट करना चाहते हैं, तो आप इसको किस तरह से कर सकते हैं, आप लोकल लैंग्वेज में लिख सकते हैं। बट अगर आप यूएसए के मार्केट में इसको टारगेट करेंगे, तो आपको सेम टू सेम तो सब कुछ लिखा हुआ है, वो आप इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना है और आपको डिफरेंट ईमेल सेट्स तैयार कर लेने हैं, ठीक है। ऐसे में क्या होगा कि जब आप उनको रेगुलर पिच करोगे पर्टिकुलर ऑफर्स के लिए, तो कभी ना कभी ऐसा होगा कि वो हाँ बोल देंगे, और जो आपका यस का परसेंटेज था जो कि 1-5% आ रहा था, वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। 25 से 50% के बीच में लोग अब जा करके हाँ बोल देंगे। फिर भी 50-75% लोग जो होते हैं वो ना बोलते हैं, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। होता है ऐसा, आप 100 लोगों को दिखाएंगे तो 100 में से 100 लोग तो उस चीज़ को नहीं खरीदने वाले हैं ना। जैसे ही वो बंदा इस ईमेल एड्रेस को डालेगा, तो वो एक मेल लिस्ट में चला जाएगा, एक पर्टिकुलर मेल लिस्ट में चला जाएगा, और वहाँ से क्या करेगा, उसको मेल आते रहेंगे। अभी वो कैसे करेगा, तो उसको उसके बाद जो ये पेज देखने को मिलेगा। अच्छा, ये पेज भी मैंने बनाया पर्टिकुलरली, अगर आपको चाहिए होगा तो ये पेज भी मिल जाएगा, बस कमेंट में लिखना आई वॉन्ट, ठीक है। वेलकम ऑन बोर्ड, डाउनलोड फ्री गाइड प्लस
प्लान बिलो। अभी क्या है इसमें, क्या क्या है, 440 पेजेस का ये है, ये वो सारा कुछ मैंने बना के रखा है, ये पूरा का पूरा है। यहाँ से वो क्लिक करेगा और वो उस बुक को डाउनलोड कर लेगा। बुक को डाउनलोड करने के बाद हम यहाँ पे उसको दो ऑफर दे रहे हैं, दो जगह पे ऑफर दे रहे हैं। यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि भाई आपने ठीक है 50 लिया है, हम आपको 16,000 दे रहे हैं, अगर आपको ये चाहिए तो आप इसको ले सकते हैं। अगेन यहाँ पर भी एक कॉर्नर में एक ऑफर दे रहे हैं कि भाई 16,000 का इंस्टेंट एक्सेस आपको मिल जाएगा, अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा एक प्रोसेस है जो कि हम उसको बता रहे हैं, इस तरह से आप कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको ये सारी चीज़ें मिल रही है आपके लिंक के साथ। ठीक है, आप चाहें तो ये पूरे लिंक को लाइक थैंक यू पेज, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, फ्री प्लस डाउनलोड पेज, हाँ ये वाला पेज जो है ये आपको होप लिंक के साथ मिल जाएगा बेसिकली। तो आप चाहें तो आप इसको भी डाल सकते हैं डायरेक्टली, बट प्रॉब्लम क्या है कि जब तक आप ट्रैफिक को ट्रैक नहीं करोगे ना, आप उसको फिर रिटारगेट नहीं कर पाओगे। बहुत सारे ऐसे बंदे होंगे जो यहाँ तक पहुँचेंगे, देखिए मैंने इसको ही बनाया है, ठीक है, बस मैंने क्या किया है, ये जो इनके जो ये सारी चीज़ें हैं उनका जो बेसिकली लोगो वगैरह उसको मैंने कॉपी नहीं किया, जो थोड़ा सा अच्छा नहीं होता है। ठीक है, अब क्या होता है बेसिकली, बहुत बार ऐसा होता है कि बंदे जो होते हैं वो यहाँ तक पहुँचने के बाद भी नहीं खरीदते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होता है, फेसबुक का पिक्सल इंस्टॉल करना होता है। यहाँ से अब आप उनको रीटारगेट कर सकते हैं थ्रू, अगर आप पेड ट्रैफिक कर रहे हैं तो ठीक है, फ्री ट्रैफिक कर रहे हैं तो भी आप कोशिश करेंगे कि पिक्सल्स के थ्रू आप कुछ पैसे देखें, क्योंकि जब आपको रीटारगेट करना होता है तो आपका बजट काफ़ी कम हो जाता है। ठीक है, अगर नॉर्मल डेज में अगर आप 350 रुपीज़, दैट मीन्स कि $5 अगर खर्च कर रहे हैं, तो आप ऐसे में 50 से 70 रुपये भी खर्च करके आप रीट्रैफिकिंग ले सकते हो, तो बहुत ही अच्छा होता है इससे। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो, ये आपको थैंक यू पेज बनाने का फायदा हो जाता है। नाउ फाइनली जब वो बंदा यहाँ पे आएगा और यहाँ पे क्लिक करेगा गेट इंस्टेंट एक्सेस, तो उसको अब हम दिखाएंगे ये वाला पेज जो कि मेन पेज है, और यहाँ से वो बंदा जाकर के खरीद लेगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एक प्रोसेस है, अगर वो यहाँ से खरीदता है तो आपके अकाउंट में डायरेक्टली सेटअप हो जाएगा। अब बात आती है कि ये सारा कुछ हम बनाएंगे कैसे, तो गाइस देखो बनाने के लिए बहुत ही सिंपल मेथड है। आपको क्या करना होगा, आपको कुछ टूल्स चाहिए होंगे, क्या टूल्स होना चाहिए आपके पास, तो सबसे पहले आपके पास एक बिल्डर होना चाहिए, बिल्डर इन द सेंस कि आपके पास एक ऐसा बिल्डर होना चाहिए जो कि वेबसाइट्स बना दे या फिर लैंडिंग पेजेस बना दे। ठीक है, अच्छा वेबसाइट या लैंडिंग पेजेस जो भी आप बोल रहे हो दोनों सेम ही चीज़ है, लैंडिंग पेजेस में ही आ जाते हैं सारे, स्पीच पेज हो गया, थैंक यू पेज हो गया, ठीक है, सेल्स पेज हो गया, उसके बाद आपका जो फ्री ट्रैफिक जहाँ से आप ऑप्ट इन पेज ले रहे हो वो हो गया, ये सारा कुछ एक ही चीज़ होता है। आपको कोई ऐसा टूल चाहिए जो सब कुछ बना दे। दूसरा क्या होगा, आपको चाहिए होगा ईमेल मार्केटिंग का टूल जो कि आपको ईमेल रेगुलर भेजता रहे, क्योंकि अगर आप ईमेल नहीं भेजोगे तो फिर आपकी जो कन्वर्जन है वो काफ़ी कम हो जाएगी, तो आपको एक ऐसा टूल चाहिए जो कि रेगुलरली ईमेल भेजता रहे। ठीक है, ये दोनों ही चीज़ जो है ना ये आपको चाहिए ही चाहिए। जब ये आपको मिल जाएगा तो उसके बाद आप उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, बट ये दोनों चीज़ जो है आपके लिए एकदम मस्ट है। नाउ द थिंग इज के इन सारी चीज़ों को आप कैसे एक्सेस करोगे, तो देखो मेरे पास इसके लिए आपके लिए बहुत ही अच्छा एक ऑफर है। ऑफर ये है कि आप इन सारी चीज़ों को बहुत ही सस्ते में, बहुत ही सस्ते में मतलब कितने में, केवल $1 में एक्सेस कर सकते हो। कितने में, $1 में, $1 में आपको ये पूरा का पूरा टूल मिल जाएगा फॉर 1 मंथ। ठीक है, 1 मंथ के लिए मिल जाएगा, और अगर आप अच्छे से ईमानदारी से ये सारा कुछ प्रैक्टिसेस करते हो, पूरा का पूरा एक प्रिपरेशन करते हो, तो यहाँ से क्या होगा आपको फ़ायदा कि पूरे 1 मंथ में अगर आपने 2 सेल भी निकाल लिए ना, तो आपको जो नेक्स्ट मंथ का इसका प्रीमियम होगा ना वो पे करने में आपको आसान हो जाएगा। एक और बात हमेशा ध्यान में रखना कि हमेशा किसी एक पर्टिकुलर एफिलिएट टूल पे ही काम करना या एफिलिएट प्रोडक्ट पे ही काम करना, उससे ज़्यादा एफिलिएट प्रोडक्ट पे अगर आप जाते हो तो आपका ध्यान भटकता है। तो या तो एक बार ऐसा करो कि पूरा एक कंप्लीट पैकेज प्रिपेयर कर लो, मतलब ये जो बैक सेटअप है ये पूरा का पूरा एक कम्प्लीट पैकेज तैयार कर लो। इसको तैयार करने में हो सकता है आपको 20 दिन लग जाए, वैसे जब आपके पास सारा प्रोडक्ट ऑलरेडी अवेलेबल है, मेल्स अवेलेबल हैं, लैंडिंग पेजेस अवेलेबल है, ऑप्ट इन पेजेस अवेलेबल हैं, तो ये सारा कुछ आप कर सकते हो इजीली 2 से 3 दिन में। ठीक है, तो 2 से 3 दिन में आपने क्या किया, पूरा का पूरा हिसाब किताब सेटअप कर दिया। अब आपको सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करना है, आपके ट्रैफिक पे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक पे फोकस करना है। अब आप ट्रैफिक पे अगर बात करते हो, तो अगर आपने फेसबुक एडवर्टीजमेंट लगा के रखा है या आप फ्री ट्रैफिक देख रहे हो, तो आपको ट्रैफिक पे टाइम देना है। तो अगर आप डेली का भी 1/2 आवर इस पे टाइम देते हो तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपके पास टाइम बच रहा है, आप किसी दूसरे प्रोडक्ट को चूज़ करना चाहते हो, तो आप इजीली जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट अगर आपके पास टाइम नहीं बच रहा है तो केवल और केवल एक टूल पे फोकस कीजिए और कोशिश कीजिए इस पे ढेर सारा ट्रैफिक भेजने का। ठीक है, नाउ अब हम इन चीज़ों को कैसे बनाएंगे, देखिए इन चीज़ों को बनाने के लिए हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं, बट इन सभी टूल्स में से आपके पास जो सबसे बेस्ट टूल जो मुझे लगता है और सबसे सस्ता टूल लगता है, मैं इसको लॉगिन करके ही दिखा देता हूँ आपको, तो वो लगता है मुझे बिल्डरॉल। बिल्डरॉल में जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि बिल्डरॉल के साथ आपको इतने सारे टूल्स मिलते हैं जो कि आप सोच भी नहीं सकते हैं आपको एक्सेस करना कितना आसान हो जाता है। ठीक है, और ये सारा कुछ आपको फर्स्ट मंथ में क्या मिल रहा है, फ्री
$1 मतलब फ्री है, ठीक है। $1 में आपको पूरा का पूरा एक्सेस करने को मिल रहा है, और ये सारा कुछ जो होता है ये काफ़ी अच्छा होता है। इसमें इतने सारे टूल्स हैं जो कि कहने का नहीं, कुछ नहीं। देखिए यहाँ पे अगर आप ऐप्स में जाते हैं तो ये इतने सारे ऐप्स हैं, ठीक है, मतलब आप काउंट करना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इतने सारे ऐप्स हैं जो कि आपके काम के। हालांकि ये सारे ऐप्स हम यूज़ नहीं करते हैं रेगुलर बेसिस पे, ठीक है, क्योंकि कुछ अगर आपको मार्केटिंग करना है तो मॉकअप स्टूडियो एक है जो कि काफ़ी अच्छा है। मॉकअप स्टूडियो में आप बहुत सारे मॉकअप्स डिज़ाइन कर सकते हैं। एक मिनट, हालांकि ये पेड मतलब दूसरे जगहों पे जाएंगे तो ये पेड होते हैं, बट हमारे पास ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको बैक ले जाता हूँ क्योंकि फ़िलहाल अभी आपको इसका काम नहीं है। वापस से हम लोग बिल्डर रोल में एक बार आ जाते हैं। बिल्डर रोल में आकर के हम लोग चेक कर लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या है, कैसे कैसे हम लोग देख सकते हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया ये सारा कुछ $1 में मिल जाएगा। $1 का प्लान है, अगर आपको चाहिए तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेक कर लीजिए। डेफिनेटली आपको चेक करना चाहिए। टोटल कितने, 38 प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटिंग के टूल्स हैं। देखो इनिशियली स्टेज पे जब आपको चाहिए होगा तो आप केवल 2 से 3 टूल का यूज़ करके भी काम कर सकते हो। और कैसे करना है, अगर आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो, मैं पूरा का पूरा इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि भाई हम इसको यूज़ कर सकते हैं केवल $1 में, तो आप बेसिक जरूर से जरूर कीजिए। कैसे करना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको $1 में क्या क्या मिल रहा है, वेबसाइट यहाँ पे चीता बिल्डर मिल जा रहा है, मोबाइल के जैसा बन जाएगा, जब मोबाइल पे जब खोलोगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। एक मिनट, मैं आपको खोल के ही दिखा देता हूँ। ये हमारा मोबाइल, मोबाइल व्यू इसका कैसा होगा, तो ये देखिए, ये इसका मोबाइल व्यू होगा। मोबाइल में देखेंगे तो और अच्छा लगेगा, ठीक है। इस तरह से आपका जो होगा ये काफ़ी अच्छा हो जाता है जब आप बात करते हो, तो पूरा का पूरा जो सिस्टम है बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड होता है। हालांकि ये मैंने यहाँ पे सेटअप किया है, मतलब ये आई थिंक टैब वर्जन दिखा रहा है, मोबाइल वर्जन में काफ़ी अच्छा आपको लगेगा देखने में, ठीक है। तो मोबाइल पे भी ये काफ़ी अच्छा दिखता है, यहाँ पे कहीं पे किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए वापस से आते हैं, आपको कितने टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर आपको केवल 2 टूल की ज़रूरत पड़ेगी, एक तो चीता बिल्डर, दूसरा ईमेल मार्केटिंग, जो आपका ईमेल मार्केटिंग का ऑटोमेशन मेलिंग बॉस है। ये 2 टूल अगर आपके पास है तो काफ़ी है। इसके साथ ही आपके पास बहुत सारे टूल है, DNS मैनेजर है, वर्डप्रेस है, और भी बहुत सारे, नीचे में आप देखोगे तो बहुत सारे टूल्स आपको मिल जाते हैं, बट ये 2 टूल्स आपको काफ़ी हैं अगर आप चाहते हो कि आप अच्छे से काम करो। हाँ, एक और तो एक दो टूल्स ऐसे भी हैं जिससे आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ये हो गया ब्राउज़र नोटिफिकेशन ऐप, मतलब कि आप कभी भी उसको वापस से पिच कर सकते हो, हे भाई क्या हुआ, हम फ्री का प्रोडक्ट दिए उसके बाद खरीदो तो सही, ठीक है। हाँ, इन सभी चीज़ों के बाद जो सबसे अच्छा है वो है फनल क्लब, मतलब कि आपको कोई भी फनल बनाना है आप इजीली बना सकते हो सिर्फ एक सिंगल क्लिक पे, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ सिंगल क्लिक पे बनाना है, आप बना सकते हो। बट फिर भी अगर आप इस प्रोडक्ट की बात करें तो इसमें आपको केवल 2 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो टूल है, अगर आप चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है कि आपको पता चल जाता है कि आपके जो वेबसाइट के विजिटर्स हैं वो कहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। इससे आपको सबसे ज़्यादा फायदा होता है कि बंदे जो हैं इंटरेस्टेड हैं कि नहीं वो पता चल जाता है। तो आप जब ट्रैफिक भेज रहे हो और बंदा अगर सपोज करते हैं कहीं पर क्लिक कर रहा है, मे बी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, अगर सपोज करते हैं बंदा यहाँ पे क्लिक कर रहा है या यहाँ पे क्लिक कर रहा है, तो आपको पता है कि कहाँ पे क्लिक कर रहा है, मतलब कौन सा चीज़ उसको अच्छा लग रहा है, उस चीज़ों को आप ज़्यादा थोड़ा सा बोल्ड कर सकते हैं अट्रैक्ट करने के लिए, और कुछ वहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाती है जो कि आपको बहुत ज़्यादा फायदा होता है। तो गाइस, ये पूरा का पूरा एक था जहाँ पे मैं बेसिक्स आपको बता रहा था कि कैसे आप मैनेज कर सकते हो पूरा का पूरा क्लिकबैक, ठीक है। अब अगर आपको लगता है कि आपको इसको डिटेल में वीडियो चाहिए एक एक करके कैसे कैसे करना है नहीं करना है, तो मैं आपको बता दूंगा। देखो, फ्री टूल्स के साथ भी आप जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। फ्री टूल्स भी बहुत सारे अवेलेबल है मार्केट में, लाइक आप कोई वर्डप्रेस यूज़ कर सकते हो, कोई हल्का सा उसमें कोई फ्री का पेज बना दिए, लाइक बहुत सारे टूल्स हैं जहाँ पे आप फ्री के पेजेस बना सकते हैं। इवन बिल्डर रॉल में भी बना सकते हो, मैं आपको बताता हूँ। बिल्डर रॉल का फ्री ट्रायल भी आपको मिल जाएगा, बिल्डर रॉल में आप फ्री में भी यूज़ कर सकते हो। बिल्डर रॉल को फ्री ट्रायल में आपको उसका भी लिंक नीचे दे दूंगा। जब आप फ्री ट्रायल के साथ जाओगे तो बस लिंक कनेक्ट नहीं होगा, और जब लिंक कनेक्ट नहीं होता तो थोड़ा सा क्या बोलते हैं वो, थोड़ा सा अनप्रोफेशनल लगता है वो, फिर मज़ा नहीं आता, ठीक है। तो फिर ये सारा कुछ आप एक बार चेक कर लेना, और अगर आपको लगता है कि टूल अच्छा है सच में, तो आप खरीद सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि आपको, आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी फायदा हो। थैंक यू।